प्रोजेक्ट के दौरान एक बारिश के समय में इस तरह की समस्या रहती है, जैसे कि पानी रिसता है जिससे ये पूरी मिट्टी जो ढह जाती है ना। तो इसके लिए एक पैटर्न निकाला है कि उन्होंने इसके ऊपर ही एक लेयर बिछा दी है प्लास्टिक की, और उसके फिर उसमें जो भी मिट्टी है, पथरीली मिट्टी, वो डाल देते हैं। अब भारतमाला के चारों ओर, दोनों ओर है ना, इस तरह की एक वॉल बनाई जाएगी, सीमेंटेड वॉल है। और ये जो पिलर है वो लगभग 5 फीट के आसपास है, और 5 फीट ही इसके अंदर है। फिर इसको सीमेंट से, कंक्रीट से उसको स्टेबल कर दिया ताकि ये अब मूव ना हो, और काफ़ी मजबूत है ये पिलर है ना। और इन दोनों रैक के बीच में ही वो एक पट्टी आएगी जो लगभग 7-8 फीट लंबी होगी, और 1 या 1.5 फीट के आसपास चौड़ी रहेगी ये। और ये लगभग हाइट होगी इसकी ऑलमोस्ट 5.5 के आसपास, 5-5.5 फीट के आसपास इसकी हाइट है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि काफ़ी अच्छा है, ये दीवार बन जाएगी किसानों के लिए भी, यदि किसान इसकी सुरक्षा देते हैं या फिर उसको अच्छे तरह से संभाल के रखते हैं, तो उनको आने वाले 5-10 साल तक किसी भी तरह की बाढ़ पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा इससे। यहाँ के जो आसपास के किसान हैं उनको नुकसान नहीं होगा, जो वन्य पशु है या फिर जो आवारा पशु है इससे नुकसान नहीं होगा, जैसे किसानों को और भी बेनिफिट होगा है ना। तो ये भी है। दूसरा है कि ऐसी कई बार क्या होता है, इसका अच्छाई तो होती है लेकिन इनके साथ एक कुछ कॉन्स भी रहते हैं। बहुत से लोग बाहर के होते हैं, वो क्या, यहाँ के जो मिट्टी है वो रेतीली है, और तो कोई ट्रैक्टर वगैरह धस जाता है तो यहाँ से वो जनरली क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, और ट्रैक्टर के अंदर में एज ए स्लाइडिंग वो सपोर्ट के रूप में वो नीचे डाल रहे, टायर के ऊपर नीचे डाल देते हैं और वो तोड़ देते हैं, है ऐसा भी होता है। कई बार ऐसे आसपास नहर भी रहती है, तो नहर को क्रॉस करने के लिए भी ये, जैसे कि कुछ छोटा सा नहर का टुकड़ा पुलिया है, तो उसे पुल के रूप में भी काम में ले सकते हैं, लेते हैं किसान, तो उससे बचना होगा। यदि वहाँ फैलेंगे तो वो ठीक है, खुला तो टूट जाता है, लेकिन किसानों को ये ध्यान देना होगा कि इस तरह को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। एक बार जैसे कि लगा दिया तो 10 साल तक आपको बाढ़ पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको जहाँ सड़कें चलती हैं उस तरफ से कोई वॉल पे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत अच्छा दे रखा है। और ये दोनों ओर होगा, रोड के दोनों ओर भारत सरकार के।